मैंने कहा चलो भाई छुट्टी है, संडे है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक उठाते हैं, बिल्कुल गांधी गोडसे के बारे में बात करते हैं। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। तो देखिए आपको गांधी और गोडसे की कहानी तो पता है, लेकिन क्या आप उन दोनों के मोटिवेशंस को समझते हैं? हाल में ही गांधी गोडसे फिल्म का ट्रेलर निकल कर आया है, जो दिखाती है कि क्या होता अगर गांधी और गोडसे के बीच में एक डिबेट होती। तो इससे पहले कि KRK इस फिल्म पे रिव्यू करके इस फिल्म को डुबा दे, मैंने सोचा चलिए इस फिल्म के ट्रेलर को डिस्कस करते हैं, इसकी कहानी को डिस्कस करते हैं, मूवी गांधी गोडसे किसकी तरफ लीन कर रही है इसके बारे में बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि गांधी और गोडसे में सही कौन था। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो गांधी गोडसे एक अपकमिंग फिल्म है जिसको फेमस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने अंदाज अपना अपना, घायल, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। फिल्म में कास्टिंग भी काफी अच्छी की गई है, सारे कैरेक्टर्स अपने रिस्पेक्टिव हिस्टोरिकल फिगर्स से बिल्कुल मेल खाते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो भी एक्टर पटेल जी का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी शक्ल थोड़ी देवेगौड़ा जी से ज्यादा मिलती है। कुछ भी टीजर और ट्रेलर के हिसाब से मूवी का कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर और टीजर दोनों में गांधी जी का साइड और गोडसे का साइड दोनों को दिखाया गया है। मूवी में ये भी बताया गया है कि कैसे हिस्टोरिकली ये दबा दिया गया है कि क्या रीजंस थे जिस वजह से गोडसे को गांधी जी से प्रॉब्लम थी। गांधी जी की एक और आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी दिखाया गया है कि वो भले ही हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन बार बार शोले के धर्मेंद्र की तरह भूख हड़ताल करके आत्महत्या करने की धमकी देकर वो भी एक तरह की हिंसा और टॉर्चर कर रहे थे अपने फॉलोअर्स की। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। लेकिन अगर ट्रेलर को पूरा देखा जाएगा तो देख के काफी क्लियर हो जाता है कि ये मूवी जो है वो गांधी जी की व्यू पॉइंट और आइडियोलॉजी को ज्यादा फेवर करेगी। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन इस गांधी गोडसे डिबेट को सही तरीके से समझने के लिए और जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था उसका जवाब देने के लिए कि गांधी और गोडसे में सही कौन था, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई गोडसे को गांधी जी से प्रॉब्लम क्या थी। और ये समझने के लिए सबसे पहले हमें गोडसे का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो गोडसे एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से आता है, और ये फैक्ट जरा याद रखिएगा क्योंकि ये फैक्ट वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मराठी चित्पावन कम्युनिटी से कई फेमस फ्रीडम फाइटर्स निकल कर आए थे, जैसे गोखले, बाल गंगाधर तिलक और सावरकर। और ब्रिटिश के मुताबिक ये चित्पावन कम्युनिटी बहुत डेंजरस कम्युनिटी थे उनके राज के लिए, इसलिए उस समय जिस नाम से चित्पावन कम्युनिटी को जाना जाता था, कोंकणस्थ ब्राह्मण, उस नाम को छोटा करके ब्रिटिश चित्पावन कम्युनिटी को कोबरा कम्युनिटी बुलाते थे। और चित्पावन कम्युनिटी के कई मेंबर्स की तरह गोडसे ने भी फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया और फिर RSS को भी ज्वाइन किया। तो अब जब इनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड समझ गए तो अब समझते हैं कि गोडसे को गांधी जी से क्या प्रॉब्लम थी। देखिए गोडसे के साथ साथ कई बड़े बड़े इंडियन नेशनलिस्ट जैसे कि सावरकर, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और एनी बेसेंट, इन सबको गांधी जी से प्रॉब्लम ये थी कि गांधी जी माइनॉरिटी अपीजमेंट करते थे और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। गांधी फर्मली बिलीव दैट पीपल कुड नेवर विन देयर राइट्स थ्रू वायलेंस। सत्याग्रह वाज मोर देन जस्ट अ पॉलिटिकल टैक्टिक फॉर गांधी। It was a moral force. गोडसे ने गांधी जी को ब्लेम किया जब गांधी जी ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होने को अलाउ किया और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को एक अलग प्रोविंस बनने पर अलाउ किया, जिससे कि वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में आ गए और हिंदू माइनॉरिटी में आ गए। गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट इस बात से भी नाराज थे कि गांधी जी खुल्लम खुल्ला ये कहा करते थे कि अगर मुस्लिम हिंदू को अटैक भी करे तो हिंदू को वापस लड़ना नहीं चाहिए, हिंदू को शांति से मौत को गले लगा लेना चाहिए, और अगर हिंदुओं का खात्मा करके मुस्लिम एक नया देश बनाते भी हैं तो वो एक खूबसूरत नया इंडिया बनकर उभरेगा। अच्छा, अब मैं समझ गया कि यासीन मलिक अपने आप को गांधीयन क्यों बोलता था। एक और चीज जिससे गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट नाराज थे वो था कि किस तरह से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को फुल सपोर्ट दिया था। याद रखिए कि खिलाफत मूवमेंट का इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, ये एक इंडियन मुस्लिम्स की मूवमेंट थी जो टर्की के खलीफा को सपोर्ट कर रही थी। टर्की के भी कई मुसलमान इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इंडियन मुसलमानों की जान निकली जा रही थी। बेसिकली खलीफा एक फीमेल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और इंडियन मुस्लिम वो सिंप है जो उनको हजारों रुपए टिप्स में देते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन शायद वो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। गांधी जी ने तो एक बार यहाँ तक कहा था कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पोस्टपोन करने को तैयार है खिलाफत मूवमेंट के फेवर में। और जब खिलाफत सपोर्टर मोपला मुसलमानों ने मालाबार के हिंदुओं का नरसंहार किया था, जब हजारों हिंदू मर्द, औरतों और बच्चों को मारा गया, जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, हजारों हिंदू औरतों के साथ किया गया, उसके रिस्पांस में कांग्रेस और गांधी जी ने मुसलमानों से सवाल नहीं किया बल्कि हिंदुओं को ब्लेम किया और मोपलास को सपोर्ट किया। मोहनदास गांधी ब्लेम्ड हिंदूज फॉर देयर ओन मैसेकर इन हिज आर्टिकल पब्लिश्ड इन यंग इंडिया डेटेड January 26th 1922 गांधी रोट हिंदूज आर नॉट विदाउट ब्लेम दे हैव हिदरटू नॉट केयर्ड फॉर द मोपला
They have not treated him as a friend. It is no use now becoming angry with the Moplas or the Musalmans in general. Not just that, Gandhi justified the Muslim violence. He said, they are a brave, God-fearing people who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they considered religious. Obviously, Swaraj for the Khilafat leaders meant the establishment of the Islamic Caliphate, and unity for them meant conversion of all Kafirs to Islam. इस बात के इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जैसे सावरकर, अंबेडकर और एनी बेसेंट ने कड़ी निंदा भी की थी और कहा था कि कैसे गांधी जी इस्लामिक जिहाद और दंगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अंबेडकर व्यूड द मोपला रेबेलियन एज नथिंग बट जिहाद। द मुस्लिम एजिटेटर्स, ही सेड, प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन दैट इंडिया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज दरुल हर्ब एंड दैट द मुस्लिम्स मस्ट फाइट अगेंस्ट इट एंड इफ दे कुड नॉट दे मस्ट कैरी आउट द ऑल्टरनेटिव प्रिंसिपल ऑफ हिजरत। अंबेडकर कंटिन्यूड, The aim of the Khilafat movement was to establish the kingdom of Islam by overthrowing the British government. But what baffled most was the treatment accorded by the Moplas to the Hindus of Malabar. This was not a Hindu-Muslim riot. This was a massacre. To Ambedkar's horror, Gandhi laid the blame squarely on the Hindus. They established the Khilafat Raj, they crowned a king, murdered and plundered abundantly, and killed or drove away all Hindus who would not और सिर्फ इतना ही नहीं, जब डायरेक्ट एक्शन डे के दंगे हुए थे और जब नोआखाली का मैसेकर हुआ था हिंदुओं का, जब हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर सिस्टमैटिकली मारा गया था, उस समय गांधी जी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि हम हिंदुओं की कोई मदद नहीं कर सकते। उल्टा ये बोल दिया हिंदुओं को कि भैया आप नोआखाली छोड़ो और भागो, वरना मारो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्लियरली जो नाराजगी गोडसे को गांधी जी से थी, वही नाराजगी कई इंडियन नेशनलिस्ट को भी गांधी जी से थी। गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट को ये भी प्रॉब्लम थी गांधी जी से कि गांधी जी एक्सट्रीम नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर कोई तुमको थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, और सच्चाई ये है कि इंडियन कल्चर में ऐसा कहीं भी नहीं सिखाया जाता। ये दूसरा गाल आगे करने का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और ये इतना यूजलेस कॉन्सेप्ट है कि कोई भी क्रिश्चियन खुद इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। गोडसे के साथ साथ कई इंडियन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग गांधी जी से सहमत नहीं थे। ये लोग मानते थे कि भारत को आजादी दिलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इंडियन कल्चर को समझते थे। ये समझते थे कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अधर्म से लड़ने के लिए कभी कभी हथियार उठाने पड़ते हैं। यही सीख हमें श्री कृष्ण ने भी दी थी जब उन्होंने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म से लड़ने के लिए और अपने कल्चर को बचा कर रखने के लिए कभी कभी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए श्री राम ने रावण का वध किया, इसीलिए माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, इसीलिए श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। और इसीलिए चाहे हमारे देश के हिस्टोरियन कितना भी हमें ज्ञान पेले कि गांधी जी की वजह से अंग्रेज भारत छोड़ के गए, लेकिन अगर ये सच होता तो अंग्रेजों को 1942 में चला जाना चाहिए था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में खत्म हो गया। अंग्रेज 1947 में छोड़ के क्यों गए? क्योंकि देखिए, हिस्टोरिकल सच्चाई ये है कि अंग्रेज गांधी जी की वजह से नहीं, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से भारत छोड़ के गए। सबसे बड़ी भूमिका देश को आजाद कराने की सुभाष बोस की थी। सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर होकर इंडियन आर्मी ने बगावत कर दी तो अंग्रेजों को भारत में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए वीर सावरकर ने भी गांधी जी की निंदा की थी जब एक चौरा चौरी के वायलेंट इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने पूरे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंसिल कर दिया था। और गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स में इतनी नॉन वायलेंस प्रमोट की थी कि हार्डली किसी इंडियन के पास मिलिट्री या लड़ने की ट्रेनिंग थी। वो तो भला है कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो अपने मेंबर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे। इसलिए जब पाकिस्तान ने कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की तो सबसे पहले वहां पर जाके हिंदू महासभा और आरएसएस के मेंबर्स ने कश्मीर को डिफेंड किया था। और अनफॉर्चुनेटली नॉन वायलेंस के मामले में गांधी जी ने हिपोक्रेसी भी दिखाई थी। एक तरफ तो गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ गांधी जी ने इंडियंस को बोला कि आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होइए और वर्ल्ड वॉर टू में जाके अंग्रेजों के लिए लड़के भी आइए। लेकिन एट द सेम टाइम जब जापानीज ने इंडिया को इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट से, तब फिर गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बोला कि भाई आप जापानीज इन्वेडर्स का निहत्थे स्वागत कीजिए। अरे भैया, नॉर्थ ईस्ट में सब धर्मेंद्र के बच्चे भरे हुए हैं क्या? हाथ से पकड़ेंगे गोली? तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। तो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस और कुछ हिपोक्रेसी और कुछ माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी गांधी जी के साथ, उस वजह से कई इंडियन नेशनलिस्ट उनसे नाराज थे, और शायद उस वजह से अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था गांधी जी के बारे में, I have a feeling that I know him better
than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. तो भले ही गोडसे को जो गांधी से प्रॉब्लम्स हो वो बिल्कुल जायज हो, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाए वो बिल्कुल गलत है। गोडसे ने आरएसएस उस वजह से छोड़ दी क्योंकि आरएसएस एक्सट्रीम पॉलिटिकल वायलेंस करने को तैयार नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जाके हिंदू महासभा ज्वाइन की क्योंकि हिंदू महासभा के लीडर सावरकर थे और गोडसे सावरकर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। लेकिन उसके बाद फिर उनको हिंदू महासभा से भी प्रॉब्लम होने लग गई क्योंकि सावरकर भी उस तरह की एक्सट्रीम पॉलिटिकल वायलेंस जिस तरह की गोडसे करना चाहते थे उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो फिर फाइनली उन्होंने हिंदू महासभा भी छोड़ दी और फिर खुद गांधी को असैसिनेट करने का डिसीजन उठाया, जो कि मेरे हिसाब से 100% गलत कदम था। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे शो के कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो गोडसे को सपोर्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, गोडसे को जो गांधी जी से प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स तो मुझे भी गांधी जी से हैं। लेकिन पॉलिटिकल असैसिनेशन करके आप कोई देश नहीं चला सकते। हमें ये डिसाइड करना है कि हम एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं या सोमालिया या पाकिस्तान जैसा देश बनना चाहते हैं। क्योंकि फर्ज कीजिए, कल को किसी बिल्कुल राइट विंग हिंदू ने ये सोचा कि मोदी तो एक नंबर का मौलाना मोदी है, कुछ ज्यादा ही रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप देता रहता है मुसलमानों को, आज तक उसने मंदिर नहीं छुड़वाए हैं गवर्नमेंट के चंगुल से, अभी भी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर टेरर अटैक हो रहे हैं, तो मोदी किस काम का हिंदू है, चलो इसको गोली मार देते हैं, क्या आप सपोर्ट करेंगे उस आदमी को? और देखिए, अगर हम इंडिया को एक सही मायने में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो इंडिया को एक रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी बनाना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल सोसाइटी मिलिट्री कू पॉलिटिकल असैसिनेशन के बूते पर नहीं चल सकती। उस तरह के देश सोमालिया और पाकिस्तान में तब्दील हो जाते हैं बेसिकली। इसलिए मैं गोडसे के एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। एक और बड़ा रीजन मैं क्यों गोडसे के एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता वो ये है कि गोडसे के एक्शंस की वजह से हिंदुत्व मूवमेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से मर गया था इंडिया में, और गोडसे के एक्शंस की वजह से ऑलमोस्ट 50 साल तक हिंदुत्व मूवमेंट को दबा दिया गया इंडिया में। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले हिंदुत्व मूवमेंट एक्चुअली काफी स्ट्रांग था, लेकिन गांधी जी के असैसिनेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारा ब्लेम आरएसएस के ऊपर डाल दिया और आरएसएस को बैन कर दिया। हिंदू महासभा पर भी इंडियन पॉलिटिशियंस ने और इंडियन मीडिया ने बहुत जोर से अटैक किया और हिंदू महासभा को भी बेसिकली पॉलिटिकली साइडलाइन कर दिया गया, और गांधी जी के असैसिनेशन को इस्तेमाल करके लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया और नेहरू जी ने फ्री स्पीच को भी दबाना शुरू कर दिया, और गांधी जी की मौत और नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इसी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने सैकड़ों किताबों, आर्टिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, फिल्मों सबको बैन करना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा, 50 साल तक बेसिकली हिंदुत्व मूवमेंट को दबा दिया गया। वो तो राम मंदिर मूवमेंट का शुक्र है कि उसकी वजह से हिंदुत्व मूवमेंट वापस जागा और आज इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है। लेकिन आप सोचिए कि अगर गोडसे ने वो कदम नहीं उठाया होता तो पिछले 50 साल में हिंदुत्व ने कितनी सारी चीजें देश में अचीव कर ली होती। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं जो हमारी हिस्ट्री हमें नहीं बताती, कि गांधी जी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस लीडर्स ने और महाराष्ट्र के कुछ लोकल लोगों ने कितना शर्मनाक कदम उठाया था। याद है मैंने आपको कहा था कि गोडसे चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी का मेंबर था, और गांधी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस लीडर्स और महाराष्ट्र के लोकल लीडर्स के ऊपर आरोप है कि उन्होंने स्पेसिफिकली चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू किया और उनके खिलाफ दंगे किए। दंगों में मौत का ऑफिशियल टोल है अराउंड 15, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस तो अराउंड 5000 मौतें तक डिक्लेयर करते हैं, और मौतों के अलावा भी कई चित्पावन ब्राह्मणों को अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। कांग्रेस पार्टी, जिसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया गांधी जी की मौत का इस्तेमाल करके वोट मांगने के लिए, वो हमें चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी के खिलाफ इस हिंसा के बारे में क्यों नहीं सिखाती कभी? और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो राहुल गांधी कर रहा है ना, वो कांग्रेस पार्टी इसी कुकर्मों का आज जाकर फल भुगत रही है। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। जब अर्जुन मछली की आँख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आँख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूँगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने फिल्म का ट्रेलर देखा? आपको कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर, और आपके हिसाब से गांधी गोडसे के बीच में कौन सही था? क्या आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप और भी मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके जरूर मक क्लब के मेंबर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।